मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक बड़ा ऐलान किया। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बताया जा रहा है कि यूपीएस का पूरा फायदा दिया जाएगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 मार्च से 2025 तक रिटायर हुए उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ जो है मिलेगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो देखिए यूपीएस की 10 बड़ी बातों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी, ये जानकारी सामने आई है। और इसी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस ये रहने वाली है और 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन जो है वो मिलेगी। तो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं वो आपको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बेसिक सैलरी का 50% निश्चित जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की मौत के बाद उनकी पत्नी को 60% दिया जाएगा उसका। और यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा, ऐसी जानकारी है। कर्मचारी के लिए यूपीएस या एनपीएस दोनों विकल्प खुले तौर पर रखे गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट भी किया है जिसमें पीएम ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित करने वाली है। यह कदम उन्होंने कहा है कि उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी साफ तौर पर दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूर दिए जाने पर हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी गई है। बताते चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और उन्होंने ये बातें लिखी। उन्होंने कहा कि इस योजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने देश के शासन की रीढ़ मारे जाने वाले हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहरा दिया। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस और एनसी में हुए गठबंधन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। क्या वह जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लाना चाहती हैं? आप रिपोर्ट में समझे पूरा मामला।